यार आज पेट भरकर बहुत खा लिया। चल एक काम करते हैं, फिर से शॉपिंग करते हैं। क्यों? यार मैं तो आज जी भर के शॉपिंग करने वाली हूँ। पता है जब तक मैं मार्केट में आऊँ और हर 10 मिनट में कुछ ना कुछ खरीदना लूँ ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे जिंदगी रुक सी गई है। और पैसा है किस लिए? खर्च करने के लिए है कि नहीं? खाओ पियो ऐश करो, जैसे चाहो वैसे जियो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने मुझे देख लिया होगा, कहीं वो मुझे। क्या हुआ प्रीतिका, तू इतनी चुपचाप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? अब ऑल टाइम तेरे जैसा बकबक करना भी जरूरी नहीं है ना जैस्मिन। देख यार, जो नहीं बोलेगा ना वो सबको आइसक्रीम खिलाएगा, बोल मंजूर है? नहीं, मैं अपनी प्यारी बहन प्रीतिका का मूड ठीक कराने आई हूँ और तू खाने की बात कर रही है। अभी तो तूने भेलपूरी खाया था ना, तो क्यों हुआ? यार तुम लोग शॉपिंग करो, मैं घर जा रही हूँ। क्यों, हुआ क्या? यार तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया था तो मैं आ गई, लेकिन अब मुझे जाना है तो जाना है। देख रुक, तू कुछ खा ले पहले, उसके बाद हाँ पैसे मैं दे दूंगी, मेरी ट्रीट। बात पैसों की नहीं है, मुझे जाना है तो जाना है। वैसे मैं तुम्हें प्रीतिका अकेली नहीं छोड़ सकती। मैं अब ठीक हूँ। प्रीतिका, अब इसको हुआ क्या है? वेलकम। कौन हो तुम? भैया जब ऑलरेडी सवारी बैठाई थी तो मुझे क्यों बैठाया? रोको इस ऑटो को। अब ये रिक्शा नहीं रुकेगी, हमने पहले ही कहा था कि हमारा सब कुछ वापस कर दो, मगर तुम नहीं मानी। अब क्या करूं? कान मेरा फोन वही होगा, देखो ना सही से। अरे बाबा नहीं है फोन, यहाँ रखा था, नहीं है। भैया क्या हुआ धीर? शमिता अपने कमरे में नहीं है और उसे कमरे का दरवाजा भी खुला है। क्या
शमिता लेगी मेरा फोन, आज मैं उसकी अच्छी खबर लूंगा। धीर, ऐसी बेवकूफी नहीं करोगे तुम, बहन है वो तुम्हारी। तुम्हारा चल क्या रहा है शमिता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन उठाने की? मुझे अंकल को कॉल करने दीजिए। भाई ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे कमरे में बंद करना ही पड़ेगा। खाओ ज्यादा गहरा नहीं है, किस्मत वाली है जो बच गई। अगर छुरा दिल के थोड़ा भी करीब लगा होता तो इसका बचना बहुत मुश्किल था। मुझे तो यकीन ही हो रहा, मेरी बेटी पर दिन दहाड़े किसी ने चाकू से हमला किया होगा। मेरी फूल सी बच्ची, मैं कोई भी मुजरिम को नहीं छोड़ूंगी, सबको सीआईडी के हवाले करके रहूंगी मैं। माँ लेटर बेटा, हमने सीआईडी को इन्फॉर्म कर दिया, वो बस आते ही होंगे। सीआईडी से सर, ये है मेरी बेटी प्रीतिका। ऑटो में किसी ने इस पर चाकू से हमला किया और इसे बाहर फेंक दिया। प्रीतिका, हम जानते हैं कि ये समय ठीक नहीं है सवाल जवाब करने के लिए, मगर हमलावर को पकड़ना है तो आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। अब ये बताइए कि आप उस हमलावर को जानती हो? जी नहीं। अच्छा ये बताइए प्रतिका कि इस हमलावर ने आप पर ही हमला क्यों किया? पता नहीं उन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया, अब मैं नहीं चाहती कोई भी उन्हें ढूंढे, ये बस एक हादसा था, जाने दीजिए। नहीं प्रतिका, वो हमलावर अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और ये बात ठीक नहीं है, वो तुम पे फिर से हमला कर सकता है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। Excuse me, please. आप लोग जाइए, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। Please, leave her alone. Please, डॉक्टर, आप जाइए प्लीज। सर बड़ी अजीब सी बात है, पहला विक्टिम है जिसे हमारी मदद नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि ये जानती है कि इस पे हमला किसने किया और क्यों किया। कुछ तो बात है जो ये हमें बताना नहीं चाहती। आप लोगों ने मुझे इस घर में कैद करके रखा हुआ है, ना किसी से मिलने देते हो ना बात करने देते हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ तक कि मुझे अंकल से भी बात नहीं करने देते। क्या करूंगी मैं ऐसे हालत में, मैं सीआईडी को सब कुछ बता दूंगी। शमिता शमिता, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? हम इस बात को घर से बाहर नहीं जाने दे सकते। अरे जहाँ इतने दिन इंतजार किया है वहाँ कुछ और दिन सही। कितना इंतजार करेंगे आप लोग और कब तक? वो कहाँ है, कैसी है, किसी को कुछ नहीं पता। शमिता, हम किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं ये तू भी जानती है, और अगर ये बात बाहर चली गई तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी इसका अंदाजा है तुझे? ये लोग सच कह रहे हैं शमिता, हम लोग किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। फिर भी तुम्हारे भाई अपने तरीके से उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ना? हाँ भाभी, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं मेरे दोनों भाई, और इनको देखकर नहीं लग रहा है कि ये कुछ कर रहे हैं। भाभी पूरे 10 दिन हो गए, नहीं पता वो कहाँ है, और ये लोग मुझे भी कुछ नहीं करने दे रहे। मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको बेवकूफ बना रहे। फिर भी शमिता तुम मेरी बात, तुम चुप रहो, तुमने ही इसको सर पर चढ़ा रखा। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले शमिता, ये रोज रोज के ड्रामे बंद कर दे, समझी? अरे हमें भी फिक्र है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, इसे धमकी समझ या चेतावनी, अगर तूने कोई बात सीआईडी वालों को बताई तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है।
समझ में नहीं आ रहा इस प्रीतिका के बारे में, क्या चक्कर है इस लड़की के साथ? ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ मगर हमारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं है वो, पर पूछताछ करेंगे इसलिए बेहोश होने का नाटक करती है। सर कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है शायद। बिल्कुल काविन, कोई ना कोई वजह तो है, वही पता लगाना है हमें कि ये कौन कौन उसकी जान के पीछे पड़ा है और फिर क्यों क्यों। दुष्यंत काम करो, तुम और पूर्वी इस प्रतिका पर कड़ी नजर रखो, देखो वो कहां जाती है, किससे मिलती है, किस किस से बात करती है, सब कुछ सब। सर मुझे एसीपी साहब से मिलना है। आइए, मैं एसीपी प्रद्युम्न, आइए बैठिए। विक्रम पानी लाना। सर अब बताइए क्या चाहिए आपको, है कौन आप? सर मेरा नाम प्राण है, मैं एक रिटायर स्कूल टीचर हूँ, पंचगनी में रहता हूँ, मेरी दो भांजियाँ हैं सीमिता और निया। सर 15 साल तक उनकी माँ की मौत के बाद ये मेरे पास रहती थी, अब वो अपने पिता की मौत के बाद अपने घर वापस चली गई, क्योंकि उनके पिता जिंदा थे तो उन दोनों को छोटी आँख से भी देखना नहीं चाहते थे। क्यों, क्या उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है उनके परिवार में? पता नहीं साहब, पिछले एक हफ्ते से समिता मुझे फोन कर रही है लेकिन मेरी बात नहीं हो पा रही, और मैं भी उसे फोन कर रहा हूँ मगर लैंडलाइन फोन लगता नहीं और मोबाइल फोन भी उठाता नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उस परिवार में कोई ऐसा है जो उन लड़कियों को आपसे बात करने से रोक रहा है? हाँ साहब, मुझे लगता है कि मेरी बच्चियाँ किसी बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, कहाँ रहती ये बच्चियाँ? शमिता, शमिता मेरी बात सुनो, तुम सुन क्यों नहीं रही हो शमिता? अरे खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे भूख नहीं है, मुझे खाने के लिए मत बोलिए बार बार। चुप, क्या ड्रामा लगा रखा है, चुपचाप से खाना खाओ नहीं तो मुंह में ठूस दूंगा। बस करो तुम लोग। इस वक्त कौन आया होगा, मैं देखती हूँ। हेलो जी। जी कौन है आप, किसे मिलना है आपको? जीवन सुधार बैंक आपकी सेवा में हाजिर है, हमें निया निया जी से मिलना है अभी। जी वो तो वो घर पर नहीं है। हाँ देखिए भाई साहब, आप जो भी हैं, निया है नहीं, जब आएगी फोन करा देंगे। वो क्या है सर, इतना वेट हम लोग कर नहीं सकते। मैडम का एफडी, मैडम का ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये मैच्योर हो गया है सर। और वो भी 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है। जी 1 करोड़ का। अब कितने फोन किए मैडम को हमने, कितनी बार मैडम को हमने बैंक में बुलाया पर वो आई नहीं। देखिए सर जी, आप एक काम कीजिए, ये एफडी हमें दे दीजिए, हम दे देंगे निया को। नो 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 सर, वो ऐसा हो नहीं सकता, एफडी हम किसी और को नहीं दे सकते। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, आप हमें उनका फोन नंबर दे दीजिए, हम उनसे बात कर लेते हैं। वैसे गई कहाँ है वो? वो पेरिस, पेरिस गई। पेरिस, अरे वाह क्या जगह है सर, हम भी गए थे वहां पे, ये बहुत अच्छा हुआ। तो पेरिस में जिस होटल में वो ठहरी है उसका नंबर दे दीजिए हमें। हम उनसे फोन पे बात कर लेते हैं। अब पता नहीं, अब मेरा मतलब है कि जब से पेरिस गई है हमारी उससे बात नहीं हुई। मतलब आपको ये भी पता नहीं कि वो पेरिस में कहां पे ठहरी? अरे कम से कम ये तो पता होगा कि वो किस फ्लाइट से गई है। या वो पेरिस गई भी है या नहीं? आप लोग बैंक वाले हैं या सीआईडी वाले? ये बहुत सही पहचाना आपने, बैंक से तो हम लोग नहीं आए हैं लेकिन
आपका जीवन सुधारने जरूर आए हैं, क्योंकि अगर निया का पता नहीं चला तो आपका जीवन काफी मुश्किल में पड़ जाएगा। सीआईडी? हाँ सीआईडी। अंकल, 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 निया कहीं गुम हो गई है। निया गुम हो गई है? देखा साहब, मैंने कहा था ना, जरूर कोई प्रॉब्लम है। कहाँ है निया? क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? हमने कुछ नहीं किया सर, वो तो खुद ही घर से चली गई। हम सबने मिलकर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। पहले क्यों नहीं बताया है? निखिल, दिव्या, तलाशी लो करके, इन पे भरोसा नहीं है। एक्सक्यूज मी, अंकल आप हमारा विश्वास कीजिए, हमने निया के साथ कुछ, दरअसल निया घर से भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या, निया भाग गई किसके साथ? कौन है वो? एक्चुअली हम नहीं जानते कि वो किसके साथ गई। इन्होंने उसके लिए बहुत बड़े घर का रिश्ता तय किया था, हम आपको बताने ही वाले थे, पर वो उसी रात घर छोड़कर भाग गई। शमिता, ये लोग सच कह रहे हैं? जी, उसे उसे गए हुए 10 दिन हो चुके हैं। देखिए सर, सोसाइटी में हमारी साख है, हम लड़के वालों से कैसे कहें कि हमारी लड़की भाग गई? 10 दिन से एक लड़की गायब है, अनजान लड़के के साथ, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, और आप लोग मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। सर, सन्या घर में नहीं है, ना ही कोई सुराग मिला है जिसे इन पे शक है। घर बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, जब निया घर छोड़ के गई तो कैसे गई थी, कुछ पता है? हाँ, वो कान भैया की कार लेकर निकली थी। कान भैया की कार? सप्रीतिका की बुआ का फोन था। हमारे सामने तो बेहोश होने का नाटक कर दिया, अब ये खुद किसी को कॉल करके कुछ पता है तो पता चले। सर, वो किसी को फोन करें। हेलो, हेलो जास्मिन, कहाँ हो तुम? घर पे, क्यों, क्या हुआ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? आधे घंटे के अंदर मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, कुछ काम है। ऐसा क्या काम आ गया? तुम अभी तो हॉस्पिटल से आई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। जास्मिन, तुम्हें जो बोला है वो करो, प्लीज जल्दी आ जाओ। मुझे बताओगी प्रीतिका हुआ क्या? वो सब मैं तुम्हें बातें बताऊंगी, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। ओके ओके, मैं आती हूँ, ठीक है, अभी आती हूँ। उसने अपनी दोस्त को फोन किया था, काफी गुस्से में थी, उसने अपनी दोस्त को भी कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा है कि गाड़ी लेकर पहुंचो। शायद सबसे नजरें बचाकर कहीं जाना चाहती है, देखते हैं कहां जाती है। प्रीतिका, What's wrong with you? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें घर पे आराम करना चाहिए, और तुम कहाँ सैर करने जा रही हो? चाबी दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। अकेले नहीं प्रीतिका, हम भी जाएंगे। अरे, ऐसी जगह पे क्यों आई है? कोई तो बात होगी, तभी तो यहाँ चोरों की तरह आई है।
वाइफ का कुछ गड़बड़ है। कहीं रतिका का पीछा तो नहीं कर रहा? सर उसके पास तो गन है। संभल के पूर्वी, चलो। सर इसे पकड़ लेते हैं। नहीं पूर्वी, अगर इसे पकड़ लिया तो प्रतिका का राज नहीं पता चलेगा। लेकिन होशियार रहना, हमें इस पे नजर रखनी होगी। केकू भाई, कुछ भी करके मुझे पूरा सामान चाहिए। मैं आपको पैसे लौटाने तक तैयार हूँ। अरे मैडम, चोर बाजार में बेचा हुआ सामान कभी वापस मिलता है क्या? मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कब का उस बैग को बेच दिया। ऐसे मत कहिए केकू भाई, प्लीज। देखो मेरा टाइम मत खराब करो, अभी जाओ यहाँ से। चलो चल। आरटीओ बताओ प्रीतिका, तुम्हारे ऊपर दो बार जानलेवा हमले हुए और फिर भी तुम हमारी मदद लेने से भाग रही हो, क्यों? क्या वजह है? क्या किया है तुमने? सर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? पिछले हफ्ते शनिवार को अपने कॉलेज से जामवाड़ी आने के लिए मैंने रात 10 बजे की बस पकड़ी। मेरा घर कॉलेज से कुछ 120 किलोमीटर दूर है। आइए मैडम, आइए आइए। चलो बस चलो, जल्दी चलो। कहाँ जाना है मैडम? एक जामवाड़ी। थैंक यू। ये अजीब सा आदमी है, इसका बैग कहीं भागा जा रहा है क्या? जो ऐसे पकड़ के रखा है। चलो चलो उतरो, 15 मिनट बस रुकेगी यहाँ पे। जिसको जो भी खाना पीना है जल्दी जाके आ जाए। चलो उतरो। मैं नीचे चाय पीने जा रहा हूँ, आप बैग का ध्यान देंगे? अरे घबराइए मत, इसमें कोई बम वगैरह नहीं है। नो प्रॉब्लम, रख दीजिए। मैडम बस पिपली से बहुत आगे निकल गई है, अब पुल के कुछ फायदा नहीं है। पहले बताना था ना, वो आदमी आपके साथ में था? नहीं। तो कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, वो दूसरी बस में आ जाएगा। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने पूरा सामान कीकू भाई को बेच दिया और तब से मुझे उस बैग को लौटाने के लिए फेक नंबर से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हेलो, अगर तुम्हें तुम्हारी जान सलामत चाहिए
तो मेरा सामान वापस लौटा दो, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। क्या बकवास कर रहे हो, कौन हो तुम? कहाँ है वो बैग? तो बैग और सामान मैंने किसी को बेच दिया। बैग और सारा सामान बेच दिया? उस बैग के जरिए, उस सामान के जरिए हम उन बदमाशों तक पहुंच सकते हैं। वो बैग और सामान चाहिए हमें, जल्दी से जल्दी, समझे? जी जी सर, जी जी। विक्रम जाओ इसके साथ। जी चलिए। सर, सर कांत ने जो भी गाड़ी की डिटेल्स दी थी वो सब सही है। बस अभी ढूंढो उस गाड़ी को और ढूंढो इस मिया के बॉयफ्रेंड को भी। चोरी का सामान, वो बैग, बेचना और खरीदना, दोनों भी जुर्म है, मालूम है ना? बट सर, वो सिर्फ अपना बैग छोड़कर गया था और मैंने अपने पास रख लिया। अच्छा, अगर उस वक्त आप ये बैग पुलिस के हवाले कर देती तो आज ये नौबत नहीं आती। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने उस बैग को खरीदा। सर, हाँ सर, इस बैग के जिप पे सूखा हुआ खून लगा हुआ है, ये देखिए। जरूर किसी ने खून लगे हाथों से इस बैग को खोला या बंद किया होगा। लगता है कोई और भी जुर्म हुआ इस बैग को लेकर। तो सर, जिस लड़की का ये बैग है शायद उसके साथ क्या हुआ हमें ये भी नहीं पता, वो जिंदा भी है या? अरे एक काम करो, ये खून जो है अच्छी तरह से चेक करो, देखो हमारे रिकॉर्ड्स में किसी के साथ मैच होता है क्या। बॉस, एक मिनट, इस बैग पर डाई कैंच मिले हैं, ये देखो। इसका मतलब जहां पर ये बैग था वहां पर डाई पड़ी हुई थी। डाई? मगर किस किस्म की डाई साड़ंखे? ये भी पता लग जाएगा बॉस। ये एक वेजिटेबल डाई है जो कपड़े रंगने के काम में आती है, जैसे बेड शीट्स, पर्दे वगैरह। वेजिटेबल डाई? एक लड़की इतना कीमती सामान लेकर डाई वर्कशॉप में क्यों गई थी? आंखें और कैसी थी? आंखें बड़ी थी। ओके। चेहरा ढका हुआ था और माथा काफी चौड़ा था। अच्छा, तो काम करो, जितने भी जंग यार्ड से भंगार खाने वहां जाके देखो अच्छी तरह से, कहीं ना कहीं तो वो गाड़ी जरूर मिलेगी। आमिर, कौन सी गाड़ी है? सर ये वाली कार, रजिस्ट्रेशन नंबर गायब है सर, मगर चेसी नंबर वही है जो कांत की कार का था। ओ, गाड़ी को चलाने की कोशिश की गई है, कोई तो है जो चाहता है कि इस गाड़ी का पता ही ना चले। जरा चेक करो। लगता है सिम कार्ड निया का है। डिक्की खोलना। खोल क्यों नहीं रहा? पीछे की सीट में ये बैग का बक्कल मिला। ये बक्कल तो उसी बैग का है जो प्रीतिका को मिला था।
सर इसका मतलब प्रतिका ने जो बैग किकू को बेचा था वो बैग निया का ही था। एक मिनट। कार के साथ साथ किसी और को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। लाश शायद निया की है। मतलब किसी ने कार के साथ निया को ठिकाने लगा दिया और वो बैग लेके चला गया। कौन हो सकता है वो? तो ये है वो लड़की। इसी ने हमला किया था तुम पर? जी सर। अच्छा, काम करते हैं। यहां पर जितने भी डाई के वर्कशॉप्स हैं, डाई की फैक्ट्रीज हैं, सब में जाकर ये स्केच दिखा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो इस लड़की को जरूर देखा होगा। ये तीसरा डाई वर्कशॉप है, यहां पे भी फोटो दिखा के पूछते हैं। यहां पे कोई मालिक या सुपरवाइजर दिख नहीं रहा है। चलो काम करने वाले से पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, इस लड़की को कहीं देखा है? देखिए, सीआईडी की जांच चल रही है। हम कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं। तुमने ही प्रीतिका को ऑटो में चाकू मारा था ना? वो तो बच गई, मगर तुम मरोगी। तुम चारों तरफ से सब घिर चुके हो। तूने हमला किया था प्रतिका पे? बोल। ये जो चेहरा रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, ये चेहरा तो निया का ही है। और शमिता के डीएनए से भी ये साबित हो गया है, ये हड्डियां भी निया की ही। अरे हम जैसे भी थे निया से बहुत प्यार करते थे, उसको आप बुरा कभी सोच भी नहीं सकते। क्यों किया तूने ऐसा? इसका जवाब तो कोई और ही देगा। कोई और? जी हां, क्योंकि सच्चाई अब सामने आना बाकी। बस इन लोगों को भी अभी अभी पता चला है कि निया की मौत हो चुकी है, और सब बड़ी हैरत में है कि आखिर शमिता ने अपनी बहन का खून कर कैसे दिया। हाँ सर, मगर किसी ने भी निया की गायब होने का रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। बस अचानक से इनका प्यार उमड़ आ रहा है। सर हो सकता है ये प्यार निया की याद में ना हो, बल्कि इस उम्मीद में हो कि ये सारी जायदाद इनके नाम होने वाली है। सर पैसा और जायदाद हमें क्यों मिलेगा? वो सब तो शमिता के नाम ही होगा, क्योंकि निया की सगी यही तो है। वो सगी जरूर है, पर खून किसी और ने किया है। कोई और मतलब? मतलब ये कि खूनी शमिता नहीं है। शमिता ने नहीं किया तो निया के बॉयफ्रेंड ने किया होगा। निया का कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। ये सारा नाटक बॉयफ्रेंड का तुम लोगों ने रचा है। निया कभी घर से भागी ही नहीं।
भगाया गया है, समझे? भगाया गया है। नहीं सर, शमिता ने खुद निया को घर से बाहर जाते हुए देखा था। अच्छा सर, झूठ बोल रहे हैं लोग। तो सच क्या है? मैं बताता हूँ सच क्या है। प्राण अंकल, आप अंकल, आपको पता है निया इस दुनिया में नहीं रही। पता है मुझे, अपने पिता की सारी जायदाद की अकेली वारिस थी निया, और उस जायदाद पर किसी की बुरी नजर थी। किसकी? कौन है वो? निया की सबसे प्यारी भाभी माया। क्यों माया जी, सच है ना? ये आप क्या कह रहे हैं? ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, मगर तुम्हारे फोन रिकॉर्ड तो झूठ नहीं बोलते। तुम्हारे सारे फोन रिकॉर्ड हमने चेक किए, पता चला निया ने गायब होने के बाद सबसे ज्यादा फोन किए तुम्हें, सबसे ज्यादा बातें की तुम्हारे साथ, मगर तुमने हमें ये बात नहीं बताई। जरूर तुमने निया को धमकाया होगा सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करने के लिए। माया जी, हम सब समझते हैं। क्यों वकील साहब, ऐसा ही किया ना माया जी? जी हाँ, निया की सारी जायदाद और असेट्स की मालिक अब माया है। ये सब क्या है माया? भाभी, आपने निया की जायदाद अपने नाम करने की कोशिश की? अब सच बता भी दीजिए माया जी, ये तो बेचारी तुम्हारे जाल में फंस गई। बोल, कैसे किया ये सब? बोल भाभी, आपने किया ये सब कुछ? हाँ, मैंने किया ये सब। नेहा को भी मैंने खत्म किया। शमिता, तो फिर तुम मेरे गुना अपने सर लोगी ना? नहीं तो तुम्हारे वो प्यारे मामा है ना, प्राण मामा, उनको मार दूंगी। वैसे भी आजकल वो हमारे घर ही रुके हैं ना, और तुम्हें पता है शमिता, उनके लिए रात के खाने की तैयारी हो रही है। भाभी नहीं, प्लीज नहीं भाभी, भाभी उन किसी बार और कोई नहीं है मेरा भाभी। आप जो बोलेंगी भाभी, पर कुछ मत कीजिए। तो फिर मैंने जो कहा है वो करोगी ना? प्यारे मामा के बदले तुम्हें अपनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना शमिता। माया, एक बड़े घर की, एक अच्छे घर की बहू हो तुम, सारे सुख तुम्हारे पैरों तले थे, पर नहीं, जायदाद की लालच में खूनी बन गई तुम। खून कर दिया अपने परिवार की बच्ची का। अरे भाभी थी ना तुम उसकी, भाभी तो मां के समान होती है, पर नहीं, सब भूल गई तुम, बेचारी का खून कर दिया। क्या फायदा हुआ जायदाद का? हाँ, अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी तो तुम्हें होकर ही रहेगी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।